MDI स्कूल मिल्कीपुर यूट्यूब चैनल पर बच्चों आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों की क्लास यानी क्लास नाइन्थ की शुरुआत अब आज से शुरुआत हो गई, आपको क्लास रेगुलर मिलती रहेगी। आज हम शुरुआत करेंगे गणित विषय, ठीक। तो हम आपको गणित पढ़ाएंगे यानी मनोकांत का तिवारी सर आपको गणित पढ़ाएंगे क्लास नाइन्थ, ठीक। तो हम आपको पहले सिलेबस बताना जरूरी है, सिलेबस इम्पॉर्टेंट होता है कि हमको पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग सबसे पहले सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। क्लास नाइन्थ की गणित का आज जो चैप्टर जितने पढ़ाने हैं, जितने चैप्टर हैं, उसका हम अध्ययन कर लेते हैं। तो गणित का जो सिलेबस है नाइन्थ का, उसमें पहला चैप्टर बच्चों आता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में बच्चों आपको जैसे परिमेय संख्या ये सब पढ़ना है, तो संख्या पद्धति पढ़ना है, बहुपद पाठ नंबर 2। जिसके पास किताब नहीं कोई बात नहीं, दिक्कत मत लीजिए, जो पढ़ाया जाए आपको उसकी PDF भेज दिया जाएगा। तो आप एक काम करते रहिए, कॉपी बना लीजिए, ठीक, वीडियो को बार बार देखते रहिए। ये हो गया संख्या पद्धति, बहुपद। तीसरा चैप्टर आता है बच्चों निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति ज्यामिति का ही पाठ है, ये भी पढ़ेंगे। दो चरों वाले रेखीय समीकरण और बच्चों यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक। बहुत इम्पोर्टेंट है रेखाएं और कोण, कि समकोण क्या है, ठीक, संपूरक कोण क्या है, रिज कोण क्या है, ये सब पढ़ेंगे। त्रिभुज है, चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। चैप्टर आप जाने रहेंगे कि गणित में नाइन्थ में कितने चैप्टर हैं, तो वो पढ़ना हम लोगों के लिए बेहतर रहेगा। फिर हम चैप्टर वाइज चलेंगे, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा आपको आसान लगेगा। फिर बच्चों हम वृत्त पढ़ेंगे, वृत्त के बाद रचनाएं, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले नहीं था जुड़ गया, हीरोन का सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पूछा जाता है, हीरोन का सूत्र पढ़ेंगे। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और बच्चों क्या पढ़ेंगे, आयतन, और सांख्यिकी पढ़ेंगे और पर्याप्तता। तो क्लास नाइन्थ का जो गणित का सिलेबस है बच्चों, टोटल कितने चैप्टर है, 15। तो हम लोग 15 चैप्टर का अध्ययन करेंगे, ठीक। तो तैयारी कैसे करें, कैसे क्या करना है, उस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों आपका टोटल जो चैप्टर है, वो टोटल चैप्टर जो आपके हैं आपके 15 हैं। सबसे पहले हम संख्या पद्धति से ही बच्चों शुरुआत करेंगे, संख्या पद्धति के बाद बहुपद पढ़ाएंगे। आप बच्चे का आप काम और करते रहिएगा, जब MDI स्कूल मिल्कीपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो क्लास 10 जो क्लास 10 की भी वीडियो पड़ी वो भी आप देखिए, क्योंकि आप नाइन्थ के बाद 10वीं में तो ही जाएंगे, और तो आप 9th 10 दोनों वीडियो देखिए, ठीक। ऐसा नहीं कि आप केवल 9th का देख कर ही सोच आए, नहीं नहीं भाई, 10वीं का वीडियो देखिए, उसमें भी संख्या पद्धति चैप्टर है और आपके भी है, तो दोनों का न्यायालय हो जाएगा। बहुपद आपके में है, बहुपद 9th में 10th में दोनों में है, ज्यामितीय दोनों क्लास में, जो चैप्टर दोनों में मैं वो बता रहा हूँ, दो चरों वाले रेखीय समीकरण वो भी हैं, ठीक, रेखाएं कोण त्रिभुज चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज वृत्त, ये जितने चैप्टर हैं ये हाई स्कूल में भी हैं, नाइन्थ में भी हैं। बस थोड़ा अंतर ये है कि दोनों में कुछ चीजें अब परिवर्तित रहती हैं, ठीक। तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, संख्या पद्धति से। तो पहला चैप्टर का नाम आप लोग डाल लीजिए और इसकी शुरुआत अब हम लोग करते हैं। चलिए अब आप ध्यान से बच्चों समझिएगा, जो जो बातें हम बताते चलें वो आपको कंफर्म होना चाहिए। तो पाठ का नाम क्या आप लोग डालेंगे, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति पाठ का नाम है, ये आपका पहला पाठ है, यहीं से हम शुरुआत करते हैं। सब नोट में जानते चलेंगे, नोट नंबर 1 आता है कि नोट नंबर 1 कहता है कि प्राकृतिक संख्या क्या है, ठीक, 0 लेवल से जानेंगे, ये आपको उसमें रखा है प्राकृतिक संख्या, ठीक। तो सबसे पहले हम जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, तो प्राकृतिक संख्या जानेंगे n बराबर, प्राकृतिक संख्या वो है जो 1, 2, 3 डाटा कहाँ तक चले, अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है, जो संख्याएं 1 से कहाँ तक हो, अनंत, इनफिनाइट यानी खत्म ही ना हो, अनंत तक।
जैसे 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50, 60, 100, 10,000, 15,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000, ये सब सारी संख्याएं क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। इनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं। नोट नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। नोट नंबर 2 आता है पूर्ण संख्या, जिनको अंग्रेजी में बच्चों हम लोग कहते हैं होल नंबर। इसको डब्लू से लिखें, होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, ……। तो इनको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। देखो बच्चों, अब आपको क्या समझना जरूरी है, संख्या पद्धति चैप्टर का नाम है। और पहले शुरुआत किया हमने किससे बच्चों? प्राकृतिक संख्या। आपको अभी याद रखना प्राकृतिक संख्या क्या है, 1, 2, 3, ……, यानी नेचुरल नंबर। इन्हीं को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब बच्चों पूर्ण संख्या क्या है? जो संख्या 0 से लेकर अनंत तक हो, जो संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक हो, उनको कहते हैं पूर्ण संख्या। बच्चों एक बात बताएं, आपसे कोई पूछे कि एक पूर्ण संख्या है, तो एक पूर्ण संख्या भी है बच्चों, प्राकृतिक संख्या। तो कहने का मतलब, लेकिन आपसे कोई पूछे 0, 0 जिसको आप कहते हैं, क्या वो प्राकृतिक संख्या है? तो आप कहेंगे नहीं, वो होल नंबर है। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक? उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नोट नंबर 3 की ओर चलते हैं, इंटीजर्स, जिसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि पूर्णांक क्या है। ठीक, इंटीजर जिसको कहते हैं, तो पूर्णांक जो बच्चों होगा आपका माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक की संख्याओं को बच्चों क्या कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब जो संख्या ऋणात्मक से चले धनात्मक पर खत्म हो। जैसे -3 से कहां तक चले? +3 तक। तो -3 से +3 तक जो संख्याएं हैं उन्हीं को इंटीजर कहते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। कैसे? -3 का मतलब क्या होगा? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यानी जहां से शुरुआत होती संख्याएं वहीं पर जाकर समाप्त होंगी। अंतर यही रहता है, ऋणात्मक से शुरुआत होती है, धनात्मक पर समाप्त होती है। ठीक, लेकिन बच्चों याद रहे कि जो यह है शून्य जो है, जीरो जीरो न तो धन पूर्णांक में है और न तो ऋण पूर्णांक में। तो नोट नंबर 3 तक फिर से देख लो, फिर आगे चलते हैं। नोट नंबर 1 कहता है कि प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, ……, इन्फिनाइट तक की जो संख्याएं होती है 1 से अनंत तक, उनको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या बच्चों क्या? 0, 1, 2, 3, 4, ……, इन्फिनाइट तक, उनको बच्चों हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्णांक क्या है? -∞ से +∞ तक की जो संख्याएं होती है बच्चों, उनको हम लोग कहते हैं पूर्णांक। ठीक, आगे चलते हैं। आगे जब चलेंगे बच्चों, तो अब हम जानेंगे कि सम संख्याएं क्या है, इनको हम लोग कहते हैं इवन नंबर। नोट नंबर आपका बच्चों आ जाएगा 4। नोट बनाते चलिएगा, सम संख्या या सम संख्याएं या सम संख्या, चलिए सम संख्या। ठीक, अब सम संख्याएं बच्चों क्या हैं? सिंपल सी बात याद रखो, 2 से विभाज्य होने वाली संख्या, दो से विभाज्य होने वाली संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या। ठीक, यानी 2 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या कहलाएगी बच्चों? सम संख्या। ठीक, अब आप भूलिएगा नहीं, 2 से विभाज्य होने का मतलब क्या हुआ? चाहे वो संख्या ऋणात्मक हो चाहे संख्या वो धनात्मक हो। ठीक, तो 2 से जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, 6, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, जो संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाए वही कहलाती है सम संख्याएं।
उन्हीं को हम लोग कहते हैं सम संख्या। ठीक, अब इसके उल्टा चलते हैं, नोट नंबर अगला चलते हैं, नोट नंबर 5 विषम संख्या। बच्चों अब हम जानेंगे कि विषम संख्या क्या है, इसका उल्टा हो जाएगा दो से विभाज्य ना होने वाली, दो से विभाज्य ना होने वाली संख्या। तो दो से विभाज्य ना होने वाली संख्या क्या कहलाएगी बच्चों? आप लोगों का जवाब होगा विषम संख्या। क्या होगा? विषम संख्या। तो नोट नंबर 5, दो से जो विभाज्य ना हो, अच्छा दो से विभाज्य होने वाली संख्या यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2, 4, 8, 10, 12 ऐसे चलता रहेगा, ये दो से विभाज्य होने वाली संख्या है। जो जो दो से विभाज्य हो जाए तो सम संख्या है, जो दो से विभाज्य ना हो, दो से विभाज्य ना होने वाली संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब हो जाएगा। ठीक, वैसे आप चाहें तो ये जो संख्याएं दो से नहीं कटती, जो संख्याएं दो से ना कटें वो विषम संख्याएं, जो संख्याएं दो से कट जाए वो कहलाती हैं सम संख्याएं। ठीक, समझ में आया? आगे चलते हैं, आगे अब हम आपको बताते हैं नोट नंबर आपका 6 आता है। आप देखो नोट नंबर 6 अभाज्य संख्याएं या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब बच्चों जानेंगे अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह होती है, अभाज्य संख्या वह होती है जो स्वयं से कटे। अभाज्य संख्या वह संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, अभाज्य संख्या वह संख्या है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से कटे, जो किससे कटे? स्वयं से कटे, वही कहलाता है बच्चों अभाज्य संख्याएं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटे। तो हमने लिख दिया है अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से कटे, वही कहलाता है। तो क्या वही कहलाएगा आप लोगों का अभाज्य संख्या। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना बोलो। यानी कहने का मतलब अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से कटे। ठीक, वही कहलाएगा अभाज्य। आगे हम बच्चों चलते हैं भाज्य संख्या कि भाज्य संख्याएं क्या है। अब भाज्य संख्या की चर्चा करते हैं। तो भाज्य संख्या की जब चर्चा करेंगे तो आपको पता होना चाहिए भाज्य संख्या के, लिख देते हैं भाज्य संख्या के कम से कम दो अभाज्य गुणनखंड हों, दो अभाज्य, भाज्य संख्या के कम से कम दो अभाज्य गुणनखंड हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, कहने मतलब भाज्य संख्या के कम से कम कितने हो, दो अभाज्य गुणनखंड हो तो वो कहलाएगी भैया भाज्य संख्या। जैसे 4, 4 दो नहीं लेंगे ना, दो तो क्यों स्वयं से कटता है और किसी से कटता नहीं, एक नहीं गिनेंगे भाई, एक से तो सारी संख्या कट जाती है। 4, 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, ऐसी संख्या है कम से कम उसके 2, 9, 10। ठीक, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ साफ साफ, 4, 2 से भी कटेगा, 4 से 2 हो गया ना, हो गया 6, 6 किससे कटेगा, 2 से 3 से 6 से। तो दो अभाज्य संख्या कम से कम दो अभाज्य गुणनखंड, ज्यादा हो जाए तो ठीक ही है, 8, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से भी कटेगा। तो भाज्य संख्या वो है बच्चों
जो स्वयं से तो कटेगा, किसी दूसरे संख्या से भी कटे वही कहलाता है भाज्य संख्या। लेकिन इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था आभाज संख्या। आभाज संख्या वही संख्या है जो केवल स्वयं से कटे वही कहलाता है अभाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं जो स्वयं से कटे और किसी से भी कटे। ठीक, आगे चलते हैं। ये सब नोट बनाते चलेगा, एकदम शुरुआती है तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब असहभाज्य संख्या, असहभाज्य, या ऐसा कह सकते हैं असहभाज्य संख्या, असहभाज्य संख्या, असहभाज्य संख्या। इसमें क्या होता है, अभाज्य असहभाज्य संख्या में दो प्राकृतिक संख्याएं लेते हैं, लेकिन याद रहे वो ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं हों जो एक दूसरे से ना कटे। जैसे एक दो, दो तीन, चार पाँच, ऐसी संख्या हो जो वो एक दूसरे से ना कटे वही कहलाती हैं असहभाज्य संख्याएं, असहभाज्य संख्याएं। ठीक, यानी असहभाज्य संख्याएं वही संख्याएं हैं, कहने का मतलब जो दो संख्या ऐसी हों जो एक दूसरे से ना कटे वही कहलाते हैं असहभाज्य संख्याएं। एक से दो नहीं कटेगा, दो से एक नहीं कटेगा, दो से तीन नहीं कटेगा, तीन से दो नहीं कटेगा, चार से पांच नहीं कटेगा, पांच से चार नहीं कटेगा। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं परिमेय संख्याएं। अगला नोट, नोट नंबर 9 होगा या 10, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं या परिमेय संख्या, यानी जो संख्या p बाई, यानी जो संख्या, जो संख्या p बाई q के रूप में हो, जो संख्या p बाई q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परंतु परंतु q का मान जीरो ना हो, परंतु q का मान जीरो ना हो। कहने का मतलब परिमेय संख्या क्या है, अस्पष्ट हो गया। जो संख्या p बाई q के रूप में हो उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, परंतु q का मान जीरो ना हो। जैसे 5/7, 1/2, 3/4, ये 5 क्या है, अंश, अंश ऊपर वाले कहते हैं नीचे वाले को हर, तो अंश बट्टा हर के रूप में हो लेकिन q का मान जीरो ना हो। जैसे 5/0, अब ये परिमेय संख्या नहीं है, कभी भी हर में जीरो ना हो, बाकी जितनी संख्याएं हैं सारी संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ओ सॉरी परिमेय संख्याएं, क्या है परिमेय संख्याएं। जैसे आपसे कोई पूछे जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो है परिमेय संख्या। जैसे दो, कोई पूछे दो परिमेय संख्या है इसके नीचे एक मान, कोई पूछे सात परिमेय संख्या इसके नीचे एक मान, तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सब क्या है भैया, वो सब है परिमेय संख्याएं। क्लियर हुआ? यहां तक बात आपको क्लियर हुआ नहीं, क्लियर हुआ, इन्हीं को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक, तो आज हमने यहां तक बताया है, कल आपकी प्रश्नावली शुरुआत करेंगे। पहली प्रश्नावली आज हमने आपको चैप्टर का जो सिलेबस था नाइन्थ का गणित का वो हमने बताया, और आपको कुछ 10 पॉइंट बताए। कल हम आपकी पहली प्रश्नावली लेकर आएंगे और उसके महत्वपूर्ण बढ़िया बढ़िया आपको प्रश्न कराएंगे। आप लोगों को MDI स्कूल मिल्कीपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो MDI स्कूल मिल्कीपुर कॉलेज में संपर्क करके व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग जुड़ जाइए, जिससे आप लोगों को PDF मिलता रहे और जो भी सूचनाएँ रहेंगी आपको व्हाट्सएप के जरिए पहुँचा दी जाएगी। स्कूल जुलाई में संभवतः खुलने वाला है, आप लोग तैयारी अपनी करते रहें, और जो आपका बैग है और कापी किताब है जो जो कुछ भी है उसकी व्यवस्था आप करे रहिए। जुलाई से स्कूल चलेगा, पढ़ने आना है आपको, ठीक है ना, इसकी कापी बना लीजिएगा। कल हम आपकी पहली प्रश्नावली लेकर आएंगे, आज आप सिलेबस उतार लीजिएगा और 10 पॉइंट ये लिख लीजिएगा, समझ गए ना। बहुत बहुत धन्यवाद।